हे गाइस, आज की शुरू में हम बात करने वाले हैं कि आप दिल्ली मेट्रो कार्ड को आप कैसे बहुत ही आसानी वे में रिचार्ज कर सकते हो। आज की शुरू में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। मेरा नाम है शमशाद अली और आप देख रहे हैं शमशाद अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए समझ गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, पेटीएम से मेट्रो कार्ड रिचार्ज करने के लिए या फिर दिल्ली मेट्रो कार्ड रिचार्ज करने के लिए आपने सिंपली सबसे पहले क्या करना होगा, आपको अपना मेट्रो कार्ड रेडी रख लेना है। मेट्रो कार्ड रेडी रख लेने के बाद अपने अपना पेटीएम ऐप ओपन कर लेना है। जब आप पेटीएम ऐप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपकी स्क्रीन के सामने ओपन होकर आएगा। जैसे कि आप पेज को ऊपर करते हुए जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप ढूंढोगे तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे कि यहाँ पे कहाँ पे है आपका मेट्रो कार्ड। तो बट आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने इन सब जगहों पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपने सिंपली यहाँ पर आना है। यहाँ पर आप फ्रंट में ही देखने को मिल रहा है आपको एक सर्च बार का, जैसा कि यहाँ पर आपको हाईलाइट हो रहा है, तो आपने सिंपली सर्च बार पर क्लिक कर देना है। आप जैसे सर्च बार पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने सिंपली लिख देना है मेट्रो, METRO मेट्रो लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा मेट्रो का, तो आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेना। आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो जितने भी मेट्रो आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे बेंगलुरु मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो एंड आपका मुंबई मेट्रो। यहाँ पे मुझे रिचार्ज करना है आपका दिल्ली मेट्रो कार्ड, तो सिंपली मैंने दिल्ली मेट्रो कार्ड रिचार्ज पे सेलेक्ट कर लिया। जैसे दिल्ली मेट्रो कार्ड पे रिचार्ज पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है स्मार्ट कार्ड रिचार्ज, तो आपने सिंपली स्मार्ट कार्ड रिचार्ज पे क्लिक कर देना। आप जैसे स्मार्ट कार्ड रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने स्मार्ट कार्ड नंबर टाइप कर देना है, जो कि आपको 8 डिजिट से लेके 12 डिजिट आपके जो भी आपका स्मार्ट कार्ड नंबर होगा उसके पीछे या फिर फ्रंट में लिखा होगा। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे मैं एक स्मार्ट कार्ड नंबर टाइप कर देता हूँ फॉर एग्जांपल के तौर पे। स्मार्ट कार्ड नंबर टाइप कर लेने के बाद यहाँ पे आप अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, मिनिमम आप 100 रुपीज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि ये देखिए मैंने 100 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 100 सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कार्ड नंबर बहुत केयरफुली टाइप कीजिएगा, क्योंकि कार्ड नंबर अगर गलत हो गया तो किसी और में चला जाएगा पैसा, फिर आपको दिक्कत होगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे हाईलाइट भी हो रहा होगा। अगर यहाँ से आपका सक्सेसफुली रिचार्ज हो जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आफ्टर सक्सेसफुली रिचार्ज। आपका सक्सेसफुली रिचार्ज हो जाता है तो आपको किसी भी नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे जाना, जिस भी मेट्रो स्टेशन पर आप हो वहाँ पर लगी होगी एक AVM मशीन, वहाँ पर क्या करना है सेलेक्ट टॉपअप पर क्लिक करना है। उसके बाद एड टॉपअप पर क्लिक करके आप बहुत ही आसानी में आप अपने इस मेट्रो कार्ड को रिचार्ज कर पाएंगे या फिर पैसे को ऐड कर पाएंगे अपने स्मार्ट कार्ड में। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से सारा चीज़ कर लेने के बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देना। अब जैसे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेट्रो कार्ड रिचार्ज इज स्टेप टू प्रोसेस। आपको क्या करना है, इंसर्ट योर मेट्रो कार्ड इन AVM मशीन इन मेट्रो स्टेशन यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद एड टॉपअप पर क्लिक करना है AVM मशीन पर, और आपका टॉपअप जो है वो हो जाएगा जब आपका यहाँ से रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर ओके करना है। ओके कर लेने के बाद यहाँ पर आपने प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अब आपके यहाँ जितने भी आपके ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं जिस ऐप की हेल्प से या फिर जिससे भी आप चाह रहे हो रिचार्ज करना, आप बहुत ही आसानी में रिचार्ज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं UPI के थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ UPI में। जैसे मैं पिन डाल के सक्सेसफुली ओके कर दूंगा, जो मेरा मेट्रो कार्ड है वो सक्सेसफुली आपका रिचार्ज हो जाएगा। सो कुछ इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी में आप अपने पेटीएम से दिल्ली मेट्रो कार्ड को या फिर किसी भी मेट्रो कार्ड को आप रिचार्ज कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपने दोस्तों साथ को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।